राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश से द्विसप्ततितम गणतंत्र दिवस पूर्व संध्यायां अद्य राष्ट्रं संबोधयिष्यति। राष्ट्रपते संबोधन से प्रसारण सायं सप्तवादनात् दूरदर्शन से अथ आकाशवाण्या सर्वासु वाहिनीषु अद्य एकादश राष्ट्रीय अद्य एकादश राष्ट्रीय मतदात्री दिवस अस्ति। निर्वाचन आयोगस्य स्थापनायाः उपलक्ष्ये प्रत्येकस्मिन् वर्षे जनवरी मासस्य पञ्चविंशे दिनांके अधिदेशं राष्ट्रीय मतदात्री दिवसः मान्यते। अत्रावसरे निर्वाचन आयोगस्य वेब रेडियो हेलो वोटर्स इत्येतस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेतृभिः समं संवादं करिष्यति। दृश्य श्रव्य संवादं माध्यमेन वार्ताः। अस्मिन् वर्षे बालशक्ति पुरस्कारस्य विभिन्न श्रेणिषु देशस्य 32 आवेदकाः प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्काराय प्रचिताः सन्ति। दिल्ल्याः आरक्षी प्रमुखेन गणतंत्र दिवसावसरे कृषकैः आयोजयिष्यमाणायै ट्रैक्टर यात्रायै सशर्तम् अनुमतिः दत्ता। आरक्षिणां प्रोक्तं यात्रायाः प्राक् कृषक संगठनानि सुनिश्चितं करिष्यन्ति यत् ट्रैक्टर यात्रेयं शान्तिपूर्णरीत्या आयोजयिष्यते। रविवासरे 150वां भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवस्य समापनम्। डेनमार्कस्य चलचित्रम् इन्टू दि डार्कनेस प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कारेण सम्मानितः। अभिवादये अहमस्मि हेमलता, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदः देशस्य द्विसप्ततितमस्य गणतंत्र दिवसस्य पूर्व संध्यायाम् अद्य राष्ट्रं संबोधयिष्यति। राष्ट्रपतेः संबोधनं सायं सप्तवादनात् आकाशवाण्याः अथ दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दी अनन्तरं अंग्रेजी भाषायां प्रसारयिष्यते। पश्चात् राष्ट्रपतेः संबोधनस्य प्रसारणं दूरदर्शनस्य क्षेत्रीय वाहिनीषु प्रादेशिक भाषायाम् अपि भविष्यति। अद्य एकादशः राष्ट्रीय मतदात्री दिवसः अस्ति। निर्वाचन आयोगस्य स्थापनायाः उपलक्ष्ये प्रत्येकस्मिन् वर्षे जनवरी मासस्य पञ्चविंशे दिनांके अधिदेशं राष्ट्रीय मतदात्री दिवसः मान्यते। अयम् दिवसः मतदातॄन् मतदानाय प्रेरयितुं प्रोत्साहयितुं च आयोज्यते। अत्रावसरे नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यमाणे राष्ट्रीय समारोहे राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंदः मुख्यः अतिथिः भविष्यति। ऐषमः राष्ट्रीय मतदात्री दिवसस्य मुख्यो विषयः अस्ति यत् देशस्य मतदातॄन् सशक्तं सतर्कं सुरक्षितं जागरूकीकरणम् इति। अत्र कोरोना महामारी काले निर्वाचन प्रक्रियायाः सुष्ठुतया आयोजनस्य निर्वाचन आयोगस्य प्रतिबद्धता विषयः अपि चर्चिष्यते। राष्ट्रीय मतदात्री दिवसावसरे अस्मिन् राष्ट्रपतिः प्रवर्तमान वर्षाय राष्ट्रपति पुरस्कारान् प्रदास्यति। सममेव असौ निर्वाचन आयोगस्य वेब रेडियो हेलो वोटर्स इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अपि शुभारम्भं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्काराय विजेतृभिः समं संवादं करिष्यति। दृश्य श्रव्य संवाद माध्यमेन असौ वार्तां समाचरिष्यति। अत्रावसरे महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबीन ईरानी अपि उपस्थास्यति। प्रशासनेन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारस्य अन्तर्गतं बाल शक्ति पुरस्कारः असाधारण योग्यता नवाचार विद्यालयीय उपलब्धि क्रीडा कला संस्कृति सामाजिक सेवा शौर्यानां क्षेत्रेषु उत्कृष्ट उपलब्धये प्रदीयते। अस्मिन् वर्षे बालशक्ति पुरस्कारस्य विभिन्न श्रेणिषु देशस्य 32 आवेदकाः प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्काराय प्रचिताः सन्ति। सम्प्रति वार्तायाम् अल्पविरामः। भवन्तः डीडी न्यूज वाहिनीं पश्यन्तः तिष्ठन्तु। दिल्ल्याः आरक्षी प्रमुखेन गणतंत्र दिवसावसरे कृषकैः आयोजयिष्यमाणायै
ट्रैक्टर यात्रायै सशर्तम् अनुमतिः दत्ता। सममेव आरक्षिणा प्रोक्तम् अस्ति यत् यात्रायाः प्राक् कृषक संगठनानि सुनिश्चितं करिष्यन्ति यत् ट्रैक्टर यात्रेयं शान्तिपूर्णरीत्या आयोजयिष्यते। विशिष्ट आरक्षी आयुक्तः दीपेन्द्र पाठकः संवाददातॄन् समसूचयत् यत् टिकरी गाजीपुर सिन्धु मार्गेभ्यः यात्रात्रयाय अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति। तेनोक्तं यत् उक्तेषु त्रिभ्यः स्थलेभ्यः अवरोधकाः अपसारिताः सन्ति। ध्येयं यत् राजपथे गणतंत्र दिवसस्य प्रयाण समारोहस्य समापन अनन्तरमेव ट्रैक्टर यात्रा अनुमता अस्ति। फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के तीन जगहों से टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जिस स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यह नवदिल्ल्यां श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियानस्य दानकर्तृणां सम्मानम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे देहली भाजपा दलस्य प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता अपि उपस्थितः आसीत्। अस्मिन् उपलक्ष्ये केन्द्रीय मंत्रिणा प्रकाश जावड़ेकरेण प्रोक्तं यत् भगवान श्रीरामः जनानां हृदये निवसति। तेन इतोपि कथितं यत् मंदिर निर्माणाय जनाः प्रसन्नतया दानं कुर्वन्तः सन्ति। बताइए कि राम जी का मंदिर बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए, लोग खुशी खुशी दे रहे, तो हमें सबके घर पहुंचना है 10 रुपए से 10 करोड़ रुपए तक। लोग दे भी रहे, कुछ लोग उससे भी ज्यादा देंगे। इस देश के कण कण में है राम, और इस देश के जैसे शरीर में खून बहता है वैसा अगर एक कोई नाम घूमता है देश भर में तो वो श्री रामचंद्र जी का है। कोरोना महामार्याः विरुद्धे प्रवर्तिते युद्धे देशव्यापिनं सूच्यौषध प्रदानाभियानं प्रचलति। एतस्य अभियानस्य नवमे विगते च दिने पञ्चसु राज्येषु 31 अधिकेभ्यः स्वास्थ्य सेवा कर्मिभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम्। अनेन सहैव साम्प्रतं यावत् 87+3,16,00,000 स्वास्थ्य सेवा कर्मिणः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। रविवासरे कर्णाटके 270,00,000, पंजाबे 70,00,000, राजस्थाने 80,00,000 अथ तमिलनाडौ प्रायः 50,00,000 मितानां स्वास्थ्य सेवा कर्मिणां सूच्यौषध प्रदान प्रक्रिया विहिता। अवधेयं यत् देशे साम्प्रतं यावत् 13,00,000-78,00,000 मितानि सत्राणि आयोजितानि। देशे साम्प्रतं यावत् महामार्याः संक्रमितानां जनानां स्वस्थता प्रतिशतता समेध्य 96.83 परिमिता संवृत्तास्ति। इदानीं यावत् स्वस्थीभूतानां कुलसंख्या भूयोपि 3,00,001,00,000 परिमिता संजाता। वर्तमानसमये रोगीणां संख्या 88,00,484,00 रोगिणः उपचर्यमाणाः सन्ति। मन्त्रालयानुसारि गतदिने प्राय 16,00,014,000 नूतनानि कोरोना प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। एवं संक्रमितानां कुलसंख्या समेध्य प्रायः 6,00,001,00,000 मितात् अधिका संप्राप्ता। विगते रात्रिं दिवे संक्रमणेन 55+100 जनाः कालकवलिताः अभूवन्। इत्थम् अधुनावधि आहत्य 39,00,353,00,000 विषाणुपीडिताः प्राणान् अत्यजन्।
केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन रविवासरे असम प्रदेशे जनसभाद्वयं सम्बोधितम्। प्रथमा जनसभा तेन कोकराझारे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र संधि दिवसस्य उद्घाटन समारोहे सम्बोधिता। उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य कृते शान्तेः मार्गस्य अवस्थापनाय बलं प्रदत्तम्। तत्रैव नलवाड़ी क्षेत्रे जनान संबोधयन गृहमंत्री उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य विकासाय केन्द्रस्य प्रतिबद्धतां पुनरावर्तितवान्। रविवासरे एकपञ्चाशत्तम भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवस्य समापनं संजातम्। डेनमार्कस्य चलचित्रं इनटू द डार्कनेस प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कारेण सम्मानितम्। अस्मिन् अवसरे विख्यातः अभिनेता विश्वजीत चटर्जी वर्यः पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कारेण सम्मानितः। समारोहे जीनत अमान अपि सम्मानिता। तत्रैव भोजपुरी अभिनेता रविकिशनः अपि तस्य योगदानाय सम्मानितः। अस्मिन् महोत्सवे विभिन्नः विषयेषु क्षेत्रीय भाषाणां श्रेष्ठ चलचित्राणां प्रदर्शनम् अपि विहितम्। विशिष्टं तथ्यं यत् इफ्फी महोत्सवे बांग्लादेशः प्रमुखः आसीत्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।